आज आपसे बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप की, जिसको सरकार ने कोरोना वायरस की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए लॉन्च किया था। इस ऐप को अप्रैल के शुरू में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक करीब 6 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। तो इतने कम समय में यह ऐप दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप में से एक है। सरकार इस ऐप को काफी प्रमोट भी कर रही है और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेस के दौरान लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी एनकरेज किया। जब 6 करोड़ डाउनलोड के साथ ये ऐप घर घर पहुंच गई तो अब सरकार इसमें एक नया फीचर लेके आने वाली है और वो है ई पास फीचर। ई पास वो फैसिलिटी है जिसके जरिए आप जरूरी काम के लिए अपने शहर में आसपास जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस टिकटॉक वीडियो में बात करेंगे इसी फीचर की और बताएंगे कि ये फीचर कब से आने वाला है। अब तक जो लोग ई पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो या तो व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल के जरिए कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि सरकार जो है वो ई पास की फैसिलिटी आरोग्य सेतु ऐप में देने वाली है। अगर आप इस कोरोना ट्रैकर ऐप को देखेंगे तो जहां पर ई पास लिखा हुआ है उस फीचर पर पहले जो है कमिंग सून लिखा हुआ होता था, लेकिन अभी जो है वहां पर नो ई पास अवेलेबल लिखा हुआ है। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि when issued it will show up here, यानी कि जब ई पास इशू होगा तो वो यहाँ पर शो होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार जो है वो ई पास की फैसिलिटी आपको आरोग्य सेतु ऐप में भी देने वाली है। ई पास में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपका नाम, कंपनी का नाम, वैलिडिटी और लोकेशन शामिल है। अकॉर्डिंग टू ऐप अभी आप ई पास को सिर्फ एसेंशियल सप्लाई सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और अगर कोई इसका मिसयूज करेगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि सरकार आपको एक नया पास सप्लाई करने का ऑप्शन आरोग्य सेतु ऐप में दे। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ई पास है, जो आपके पास ऑलरेडी है, वो आरोग्य सेतु ऐप में ऐड हो जाए और वहां पर रिफ्लेक्ट करे, ताकि जब भी आप घर से बाहर जाएं जरूरी काम के लिए, सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम के लिए, उसको अथॉरिटीज को दिखा सकें और अपना वो आप काम कर सकें। तो या तो आपको यहां पर सरकार नया ई पास सप्लाई करने की फैसिलिटी देगी या फिर जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पास है, जो आपके पास ऑलरेडी है, वो यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों फैसिलिटी सरकार को इस ऐप में दे दे। तो ई पास के फीचर के आने के बाद आपका काफी फायदा होने वाला है। वैसे जो आरोग्य सेतु ऐप है इसको आप दोनों प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड और iOS दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं और ये 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, 11 इंडियन लैंग्वेजेस में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इसे आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा और उसके बाद इसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसके जरिए आपके हेल्थ स्टेटस का पता चलेगा। और अगर किसी में कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो ये ऐप उसको अलर्ट करेगी और सेल्फ आइसोलेशन के लिए भी इंस्ट्रक्शन देगी। साथ ही अगर कोई ऐसा शख्स आपके आसपास है तो ये ऐप आपको भी अलर्ट करेगी। ट्रैकिंग को एनेबल करने के लिए आपको अपने फ़ोन के ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन रखना होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आरोग्य सेतु ऐप और उसमें जल्द आने वाले ई पास फीचर के बारे में। अगर आपने ऐप अब तक डाउनलोड नहीं की है तो आप कर सकते हैं। ये सरकार का इनिशिएटिव है, कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में काफ़ी हेल्पफुल ऐप साबित हो रही है। आप अपना ख्याल रखें, घर पर बने रहें और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।